अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने थंबनेल पर देखा कि वीडियो से वाटरमार्क रिमूव था, तो अभी इसकी क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। जो आईस्टॉक पे वीडियो है उससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में मेरे पास है विदाउट वाटरमार्क। अगर आपको सच में जानना है कि हाउ टू डाउनलोड आईस्टॉक वीडियोस विदाउट वाटरमार्क, तो उसके लिए बस इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि दो काम के मेथड्स तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं। पहला कि डाउनलोड कैसे करना है उस वीडियोस को, दूसरा उन्हें यूज कैसे करना है कि कोई कॉपीराइट का इशू ना आए। देखो, अभी जो मैं वीडियो क्लिप्स यूज कर रहा हूं वो भी मैंने इसी मेथड से डाउनलोड किए हैं जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, और दूसरा टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ के और उन्हें फॉलो करके यूज कर रहा हूं, जिससे मुझे कोई भी कॉपी का इशू नहीं आ रहा। तो बस इस वीडियो को पूरा देखो। अब हो सकता है कि तुम में से काफी सारे लोग ये जानते हो कि हाउ टू डाउनलोड आईस्टॉक वीडियोस, क्योंकि यूट्यूब पे पहले से वीडियो अपलोड है, लेकिन उसके अंदर लाइसेंस के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे यूज करेंगे कोई कॉपीराइट का क्लेम ना आए। अब आप खुद सोचेंगे, अगर आप आईस्टॉक की वीडियोस यूज करेंगे बिना पे करे तो आपको कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है। तो मुझे भी यही डाउट था, तो मैंने थोड़ी रिसर्च की और इसके टर्म्स और कंडीशंस पढ़े, तो मुझे जवाब मिला यस यू कैन यूज इट, बट तुम्हें कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो कौन सी है वो मैं तुम्हें आगे चल के समझाता हूं। अब देखो, इस वीडियो में तुम्हें काफी काम की चीजें समझाने वाला हूं। जहां वीडियो डाउनलोड करने का सवाल है तो वो काफी आसान है, वो वन क्लिक में डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन मेन चीज ये है कि इन्हें यूज कैसे करना है और कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा, सो डोंट स्किप द वीडियो। तो सबसे पहले चलते हैं आईस्टॉक पे और तुम्हें जो वीडियो चाहिए वो सर्च करनी है। जैसे तुमने मेरी वीडियो देखी थी, टर्म्स और कंडीशंस में जो मैंने यूज की थी, तो वो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो देखो, ये वाली वीडियो यहाँ पे आ गई। अब इसे डाउनलोड करने के लिए हम कैनवा का यूज करेंगे। अब हो सकता है कि तुम्हें यकीन ना हो रहा हो, क्योंकि मैं भी काफी हैरान हुआ था, लेकिन डाउट ये था कि कोई कॉपीराइट का क्लेम तो नहीं आएगा यूज करते वक्त। फिर मैंने इनके टर्म्स और कंडीशंस पढ़े और वही चीजें फॉलो करके मैं सिंपली इनके वीडियो क्लिप्स फ्री में यूज करता हूं। अब तुम्हें क्या करना है कि ये वाला टेक्स्ट कॉपी कर लेना है स्टॉक वीडियो को छोड़ के। देन आपको कैनवा ओपन करना है। अगर आपको नहीं पता कि इसका अकाउंट कैसे बनाते हैं या प्रो अकाउंट कैसे लेते हैं, तो वीडियो मैंने बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहो तो देख लो, वरना यहां पर मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा दूंगा। अब तुम्हें क्लिक करना है एलिमेंट्स पे, देन सर्च पे, और तुम्हें वो सिंपली टेक्स्ट पेस्ट करना है एंड देन क्लिक एंटर। अब ये वीडियो सबसे टॉप पे आ गई विदाउट वाटरमार्क, इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब कोई दूसरी वीडियो सर्च करके देखते हैं, लाइक ट्रैवलिंग से रिलेटेड। अब तुम्हें इसका सबसे बड़ा बेनिफिट बताऊं, अब तुम्हें यहां पर ये वीडियो पसंद आ गई, जब तुम इसे कैनवा पर सर्च करोगे तो इसी वीडियो के चार पांच और डिफरेंट वीडियो क्लिप्स आ जाएंगे, तुम उनको भी अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो। तो ये काफी कमाल का मेथड है ग्रो होने के लिए। इसे डाउनलोड करने के लिए इसका साइज यहाँ पर फिट करो और शेयर पे क्लिक करो और देन क्लिक ऑन डाउनलोड, तो ये सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसे यूज करनी है वीडियोस, कोई कॉपीराइट का क्लेम तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ मेन पॉइंट समझाता हूँ और ये समझाता हूँ कि वीडियोस कैसे यूज करनी है। तो देखते हैं यहाँ पर कैनवा क्या कहता है। तो कैनवा कहता है कि जिनके पास प्रो अकाउंट नहीं है, वो अगर ऐसा कंटेंट यूज करते हैं जिसके ऊपर वाटरमार्क है, तो उसे वो वाटरमार्क हटाने के लिए आपको $1 पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कैनवा का प्रो अकाउंट है, आप किसी कैनवा फॉर टीम्स में ज्वाइन है, तो आपको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है, और आपको इनकी वीडियोस डाउनलोड करके ऐसे यूज नहीं करनी, बल्कि उसके ऊपर कुछ एडिटिंग करनी है या कुछ टेक्स्ट लिख दिया, ऐसे काम चलाना है। अब बात करते हैं इसके लाइसेंस की। तो कैनवा कहता है जो प्रो यूजर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली प्रो कंटेंट लाइसेंस इशू हो जाएगा, अगर वो कोई वीडियो वगैरह डाउनलोड करेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली वो लाइसेंस इशू हो जाएगा। अब आपको कुछ प्रो टिप्स देता हूं। वीडियो कोशिश करना कम से कम यूज करने की, लाइक 6 या 7 सेकंड तक ही यूज करना, उसके ऊपर कुछ फिल्टर्स लगाना, कुछ कलर्स जैसे मैं अपनी वीडियोस में लगाता हूँ, साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक और वॉइस ओवर, तो मेन है। इससे क्या होगा कि आपका एफर्ट भी यहाँ पर लगेगा कि आप भी कोई डिजाइन के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो क्लिप 6 या 7 सेकंड से ऊपर यूज करनी है, लाइक 15 सेकंड या 20 सेकंड, तो उसमें एडिटिंग भी उतनी ज्यादा रखना, ठीक है। तो तुम्हें इसका प्रो अकाउंट कैसे लेना है, तो तुम्हें सिंपली एक न्यू कैनवा का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। देन तुम्हें क्या करना है कि एक न्यू टैब ओपन कर लेना है और वहां पर लिखना है बिंगो टिंगो, ठीक है। जो पहली वेबसाइट आएगी तुम्हें सिंपली उस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रोल करना है। स्क्रोल जैसे ही करोगे तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है हाउ टू यूज कैनवा, इसी पर तुम्हें क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर तुम्हें ये बता रहा है कि 1 मिनट तक वेट करो, तुम्हें वेट करना है, उसके बाद ये तुम्हें यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देगा, तो तुम्हें सीधा डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है गेट हेयर, तो तुम जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो तुम कैनवा पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। उस पर वहां पर लिखा होगा कि तुम कैनवा की टीम में ज्वाइन हो चुके हो। मैं काफी टीम में ज्वाइन हुआ हूं, तो मैं भी क्लिक नहीं कर रहा, तुम सिंपली क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम ज्वाइन हो जाओगे, तो मौज करो, जो भी कॉन्टेंट तुम्हें यूज करना है इसी तरह से यूज कर सकते हो, जो मैंने तुम्हें तरीका बताया है मैं भी ऐसे यूज करता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दुआओं में याद।